आज हम बनाएंगे चैन से पाउच बनाना सीखेंगे। इस तरह से हम एक चैन लेंगे जिसकी लंबाई हम लगभग 20 इंच के करीब ले लेंगे। जितना बड़ा आपको पाउच बनाना है उसके हिसाब से इसको अब हम इस तरह से एक पूरी को खोल लेंगे और एक साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसी तरह से सिलाई लगाइएगा। कॉर्नर पे आके इसी चैन को एक साइड वाली को टर्न कर देंगे दूसरी साइड, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से टर्न कर देंगे। इस तरह से हम टर्न करके पूरी पे सिलाई लगा देंगे। बेस्ट यूज़ ऑफ चैन, सिंपल और सुंदर। अगर आप डबल शेड की चैन का बनाना चाहते हो तो डबल शेड की बना सकते हैं, किसी भी शेड की। मेरे पास ये ब्लैक कलर की चैन पड़ी थी, मैं उसका बना रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे दोनों पे। अब दो शेड की बनाना चाहते हैं तो दो नौ शेड की अलग अलग लगा के उसके अंदर रनर डाल के ऐसे इस तरह से ही बना सकते हैं उसको भी। इस तरह से ही हम पूरी पे सिलाई लगा देंगे। और अब जो ये हमारा कटिंग छोटा रह गया इसको हम यहाँ पे फिनिशिंग के साथ बंद कर देंगे और ये जो बड़ा है उसको टर्न करके इसी के साथ सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके इस तरह से। इस तरह से इसको फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ नोक को पे डबल सिलाई लगा के, ताकि हम चैन हमारी चैन ना निकल जाए बाहर, इस तरह से लगा देंगे सिलाई इसके। ये हमारा पाउच तैयार हो गया। इस तरह से अब हम इसको बंद करते जाएंगे। ये मेरा थोड़ा सा अटक गया चैन, मैंने डाली थी वहाँ पे। इस तरह से हम बंद करते जाएंगे। देखो ये हमारा पाउच तैयार हो गया है। अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, चाबी वगैरह की रिंग, मशीन की गिट्टियाँ, कुछ भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। देखो इस तरह से ये हमारा पाउच बन के रेडी हो गया। और कोई बता भी नहीं सकता इसको ये कि पाउच है। जैसे देखिए अब ये पूरा खुल जाएगा, इस तरह से पूरा ओपन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।